के जंगल में टोनी चिड़िया अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया का पति बंटी कबूतर शहर के जंगल में काम करता था। टोनी चिड़िया के घर से कुछ ही दूरी पर कालू कौवे का अंगूर का बगीचा था। अपने घोंसले के बाहर बैठी ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रही थी, तभी अंगूर की मीठी खुशबू आती है। माँ जी, अंगूर की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, जी करता है अभी जाऊँ और तोड़कर अंगूर खा लूँ। हाँ बहू, मन तो मेरा भी अंगूर खाने को कर रहा है, पर तू देख रही है ना कालू कौवा किस तरह अपने बगीचे की रखवाली कर रहा है। अगर हम अभी अंगूर तोड़ने गए तो पकड़े जाएंगे। रात होने का इंतजार करते हैं, जब कालू कौवा सो जाएगा तो हम लोग अंगूर चुरा लेंगे। लेकिन माँ जी, मेरा मन तो अभी अंगूर खाने का हो रहा है। आप ऐसा करिए, कालू कौवे को किसी बहाने से यहाँ बुला लीजिए और अपनी बातों में उलझाए रखिएगा। तब तक मैं कुछ अंगूर चुरा लूँगी, फिर दोनों आधा आधा बांट कर खा लेंगे। लेकिन बहू, अंगूर चुराते हुए तू पकड़ी गई तो हमारी बहुत बदनामी होगी। आप बेकार में डर रही है माँ जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ से जाऊंगी और आप कालू कौवे को बुलाकर अपनी बातों में उलझाए रखिएगा। तब तक उससे बातें करिएगा जब तक मैं वापस ना जाऊँ। टूनी चिड़िया टुनटुनी की बात मान लेती है। टुनटुनी के जाते ही टूनी चिड़िया झूठ मूठ कर चिल्लाने लगती है। अरे 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 ओ कालू भैया, जल्दी यहाँ आओ, मेरे घोंसले में एक सांप घुस आया है, जरा उसे निकाल दो। टूनी चिड़िया के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर कालू कौवा अपनी बगीचे की रखवाली छोड़कर वहाँ आता है। क्या हुआ टूनी बाबू, कहाँ है सांप? मैं अभी उसे निकालता हूँ। हाँ कालू भाई, जल्दी आइए, ये देखिए इस पलंग के नीचे सांप घुस आया है। कालू कौवा सांप को इधर उधर ढूंढने लगता है। उधर टुनटुनी चिड़िया आराम से बहुत सारे अंगूर चुरा लेती है। काफी ढूंढने के बाद भी जब सांप नहीं मिलता, तब कालू कौवा वहाँ से जाने लगता है। लगता है मेरे आने के डर से सांप भाग गया, अगर फिर से कहीं दिखाई दे तो मुझे बुला लेना। अब मैं अपने बगीचे की रखवाली करने जा रहा हूँ, नहीं तो मेरे अंगूर को जंगल के पक्षी चुरा लेंगे। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया पके पके अंगूर को लेकर घर पहुँच जाती है। ये लीजिए माँ जी, पके पके रसीली अंगूर। जी भर कर दोनों सास बहू मिलकर अंगूर खाने लगती है। बहू, आज तो अंगूर खाकर मजा ही आ गया। इस तरह दिन गुजरने लगते हैं। टुनटुनी चिड़िया रोज अंगूर चुरा कर लाती और दोनों सास बहू मिलकर मजे से खाती। एक दिन कालू कौवे को शक होता है। अरे, रोज रोज मेरे बगीचे से अंगूर कम हो रहे हैं, लगता है कोई इन्हें चुरा रहा है। इसका मुझे पता लगाना पड़ेगा, आज मैं किसी कीमत पर अपने बगीचे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। दोपहर होने पर टूनी चिड़िया फिर से कालू कौवे को बुलाने लगती है, लेकिन कालू नहीं आता। दोनों सास बहू मन मार कर रह जाती है। टुनटुनी बहू, अब क्या करें, ये कालू तो अपने बगीचे से हट ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं माँ जी, दिन में ना सही, हम लोग रात में अंगूर की चोरी करेंगे, क्योंकि उस समय कालू कौवा सो जाएगा। ऐसा सोचकर दोनों रात में चोरी करने का प्लान बनाती हैं। उधर कालू कौवा अपने अंगूर के बगीचे में जाल बिछा देता है। रात में वो दोनों अंगूर चुराने के लिए जाती हैं और जल्दी जल्दी अंगूर को चुराने लगती हैं। वो दोनों बगीचे में बिछाए हुए जाल में फंस जाती हैं। माँ जी, ये क्या हुआ, हम लोग तो जाल में फंस गए। अब सवेरे ही सब पक्षियों को पता चल जाएगा कि हम लोगों ने ये अंगूर चुराए थे। तभी कालू कौवा वहाँ आ जाता है और कालू कौवा जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगता है। कालू भैया, धीरे धीरे बोलिए, सारे पक्षी सुन लेंगे, हमारी बहुत बदनामी होगी। लेकिन तुम दोनों की वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ है। कालू भैया, मैं तुम्हारा सारा नुकसान भर दूंगी, बस हम लोगों को छोड़ दो, पड़ोसी होने के नाते। कालू कौवा उन दोनों को छोड़ देता है। उस दिन के बाद से वो दोनों अंगूर को चुराना छोड़ देते। रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। उसका एक बेटा था गोलू चिड़ा। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी, बहुत मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके वो जैसे तैसे करके पैसे कमाती थी, उससे वो अपने घर का गुजारा कर लिया करती थी। बारिश का मौसम शुरू होने वाला था। टुनटुनी चिड़िया का पूरा परिवार चिंतित था। माँ, बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और अपना घोंसला कई जगह से टूट गया है, हमें दूसरा घोंसला बनाना पड़ेगा। हाँ, यही सोचकर तो मैं भी परेशान हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं दूसरा घोंसला बना सकूँ। तभी गोलू चिड़िया वहाँ आता है। माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जाऊँ। ठीक है, चला जा, लेकिन
खेलने के लिए चला जाता है। बोलो ना माँ, अगर बारिश अभी शुरू हो गई तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो रुक, मैं अभी कुछ सोचती हूँ, तब तक तू मेरे लिए चाय बना देना। पिंकी चुड़िया चाय बनाने चली जाती है और थोड़ी देर बाद चाय बना कर अपनी माँ को देती है। टुनटुनी चुड़िया चाय पीने लगती है। पिंकी चुड़िया, मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ से कुछ रुपए कर्ज ले लूँ, फिर धीरे धीरे चुका दूंगी। माँ, पहले से ही तुम्हारे ऊपर बहुत कर्ज है, फिर से कर्ज लोगी तो हम खाएंगे कहाँ से? तो क्या करूँ पिंकी चुड़िया, तू ही बता। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। टुनटुनी चुड़िया अपने मालिक कड़कनाथ सेठ के पास कर्ज मांगने जाती है। मुझे थोड़ा कर्ज चाहिए, मुझे अपना नया घोंसला बनाना है। बारिश हो गई है, मेरे पूरे घर में पानी टपक रहा है, रहना मुश्किल हो रहा है। अरे ओ टुनटुनी चिड़िया, तुम्हें और कर्ज मांगते शर्म नहीं आ रही है? पहले ही तुम्हारे ऊपर मेरा बहुत कर्ज है, पहले उसे चुकाओ। टुनटुनी चिड़िया चुपचाप वहाँ से चली जाती है। ऐसे में एक दिन जोरों से बारिश होने लगती है। टुनटुनी चिड़िया का पूरा घर पानी से भर जाता है। माँ, जल्दी चलो यहाँ से, अगर घोंसला टूट गया तो हम सब दबकर मर जाएंगे। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। कहाँ जाऊँ अपने बच्चों को लेकर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी टुनटुनी चिड़िया हरी काकी के घर जाती है। हरी काकी, मुझे और मेरे बच्चों को अपने घर में आसरा दे दो। क्यों, तुम्हारे घर को क्या हुआ जो इतनी बारिश में मेरे यहाँ मदद मांगने चली आई? मेरे घर में बारिश का पानी भर गया है। हरी काकी, बारिश रुकने तक मेरी मदद करो। देखो टुनटुनी चिड़िया, तुम बुरा मानो या भला ये तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकती। अगर मेरा घर टूट गया तो मैं कहाँ जाऊँगी अपने परिवार को लेकर? मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, अब तुम यहाँ से जाओ। फिर टुनटुनी चिड़िया चंद्री कौवी के पास जाती है, लेकिन वो भी उसकी कोई मदद नहीं करती। उदास होकर टुनटुनी चिड़िया घर लौट आती है। बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी गोलू चिड़ा कहता है, माँ, मैं जहाँ खेलने जाता हूँ वहाँ काफी सारे लकड़ियाँ पड़ी हैं। बहुत दिनों से उन लकड़ी का कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है। चलो हम सब वहीं चलते हैं और उन लकड़ियों से हम सब मिलकर अच्छा सा घर बनाते हैं। अरे पागल, ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताई? टुनटुनी चिड़िया अपने परिवार को लेकर उस लकड़ी के ढेर वाली जगह के पास जाती है। उन लकड़ी को देखकर टुनटुनी चिड़िया राहत की सांस लेती है। ये तो बहुत अच्छी जगह है, हम आराम से यहाँ लकड़ी का घर बना सकते हैं। फिर सभी मिलकर लकड़ी को इकट्ठा करते हैं और टुनटुनी चिड़िया उसमें घर बनाकर रहने लगती है। धीरे धीरे बारिश बढ़ती ही जा रही थी, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक सप्ताह इस तरह गुजर जाता है। अचानक एक दिन सुंदरी कौवी का भी घोंसला टूट जाता है। वो अपने बच्चों के साथ जंगल में भटकने लगती है। तभी टुनटुनी चिड़िया की नजर उस पर पड़ती है। सुंदरी बहन, जल्दी घर आओ। टुनटुनी बहन, क्या मैं भी तुम्हारे लकड़ी के घर में रह सकती हूँ? हाँ हाँ सुंदरी बहन, तुम भी यहाँ रह सकती हो। ये बहुत बड़ा घर है, हम सब ने मिलकर इसे बनाया है और ये बहुत मजबूत भी है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद टुनटुनी चिड़िया, जो तुमने इस मुसीबत में मेरी मदद की। इस तरह जंगल के कई पक्षी उस लकड़ी के बने घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। Thanks for watching. This is the first episode. If you liked it, maybe subscribe. And if you didn't like it, why did you watch to the end?